दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान बेशक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने एक दूसरे पर तीखी टिप्पणी की हो, लेकिन मंगलवार को जैसे ही दिल्ली विधानसभा के चुनाव के परिणाम आए और आम आदमी पार्टी की जीत सुनिश्चित हुई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके अरविंद केजरीवाल को बधाई दी। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने केजरीवाल को फोन भी किया और पूरे सहयोग का भरोसा दिलाया। यही नहीं, प्रधानमंत्री ने पहली बार अपने बयान में केजरीवाल का नाम लिया। केजरीवाल ने बधाई के लिए मोदी का धन्यवाद देते हुए कहा कि वे दिल्ली की समस्याओं पर उनसे जल्दी मिलेंगे। दिल्ली के भावी सीएम ने कहा कि उन्हें केंद्र की मदद की जरूरत होगी। इस पर प्रधानमंत्री ने सहयोग का भरोसा दिया और कहा कि हम सब दिल्ली का विकास चाहते हैं। आपको बता दें कि फोन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न केवल अरविंद केजरीवाल को बधाई दी बल्कि उनको चाय पर भी आमंत्रित किया। केजरीवाल ने भी प्रधानमंत्री को भरोसा दिया कि वो जल्दी ही उनसे मिलने आएंगे और उनके साथ चाय पियेंगे। यही हमारा गणतंत्र है, जहां चुनाव की गर्मी के बाद लोकशाही की शीतलता के कारण लोग चुनाव के बाद एक दूसरे से बेहद शालीनता से बात करते हैं। दिल्ली की जनता का जनादेश सामने आ चुका है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल इस बार ऐसे प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं जो दिल्ली में अब तक किसी भी पार्टी को नहीं मिला है। सबसे बड़ी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी तक को यह अनुमान नहीं था कि दिल्ली की जनता उन्हें इस बार इतना प्रचंड बहुमत देने जा रही है। केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव 2015 में ऐसी अभूतपूर्व ऐतिहासिक जीत हासिल की है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों के बावजूद केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 3 सीटों पर सिमट गई है और कांग्रेस तो पूरी तरह से साफ हो गई है। दरअसल दिल्ली का यह चुनाव अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा था। तमाम एग्जिट पोल भी ये बता रहे थे कि आम आदमी पार्टी की सरकार एक अच्छे बहुमत के साथ बनती दिखाई दे रही है, लेकिन दिल्ली की जनता ने तमाम एग्जिट पोलों को भी धत्ता बता दिया और पूरी तरह से अरविंद केजरीवाल के झाड़ू पर भरोसा जता दिया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सुनामी लहर किस हद तक चली इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बीजेपी के मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार किरण बेदी पार्टी की सबसे सुरक्षित सीट माने जाने वाली कृष्णा नगर से भी चुनाव हार गई है। किरण बेदी को हराने वाले आम आदमी पार्टी के एसके बग्गा ने जीतने के बाद इसे स्थानीय मुद्दों की जीत बताया, तो वहीं किरण बेदी के मुताबिक हार जीत तो चलती रहती है, लेकिन उन्होंने तमाम कार्यकर्ताओं का धन्यवाद किया और साथ ही कहा कि दिल्ली में बीजेपी की हार संगठन की हार है। आम आदमी पार्टी की दिल्ली के जीत का जश्न प्रदेश की राजधानी जयपुर में भी देखने को मिला। जयपुर के स्टैचू सर्कल पर आम आदमी पार्टी राजस्थान के कार्यकर्ता और पदाधिकारी इकट्ठे हुए, मिठाइयां बांटी, आतिशबाजी की और दिल्ली की जीत के सिलसिले को पूरे देश में फैलाने का संकल्प भी लिया। दिल्ली में जीत के जश्न के बाद आम आदमी पार्टी जयपुर ने मंगलवार को स्टैचू सर्कल पर जनता के बीच लड्डू बांटे और एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। राजस्थान आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बताया कि ये दिल्ली ने जो स्वच्छ राजनीति की शुरुआत की है वो जल्द ही राजस्थान में भी अपना डंका बजाएगी। साथ ही यह भी बताया कि दिल्ली ने इस बार नकारात्मक राजनीति को नकारते हुए मुद्दों पे आम आदमी पार्टी का साथ दिया है। साथ ही जनता ने भी आशा जताई कि जीत के साथ साथ जो बड़ी जिम्मेदारी आम आदमी पार्टी के कंधों पे आई है उसे आम आदमी पार्टी बखूबी निभाएगी और जल्द ही प्रदेश में पार्टी का सदस्यता अभियान भी शुरू किया जाएगा। दिल्ली की इस जीत के बारे में प्रदेश के नगरीय विकास मंत्री राजपाल सिंह शेखावत के उस बयान में, जहां राजपाल सिंह शेखावत ने इसे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का अपग्रेडेड वर्जन का चुनाव बताया था, इस पर प्रतिक्रिया देते हुए आम आदमी पार्टी के राजस्थान पदाधिकारियों ने कहा कि यह भारतीय जनता पार्टी का अहंकार है और इसी अहंकार के चलते दिल्ली में भाजपा और कांग्रेस का सफाया हुआ है और इसी अहंकार के चलते एक दिन देश में दोनों पार्टियों का सफाया होगा। बयाना में आज एक गैस लीकेज सिलेंडर में आग लगने से अफरा तफरी मच गई और आसपास के लोगों ने वहां पानी और मिट्टी डालकर आग को बुझाने का प्रयास किया। इसके बाद इस आग की लगने की सूचना अग्निशमन विभाग को दी गई, जिस पर करीब 15 मिनट के बाद अग्निशमन विभाग का वाहन आया और उसने भी इस आग पर करीब एक घंटे बाद काबू पाया। आपको बता दें कि बयाना पंचायत समिति क्षेत्र के नरेश रावत के मकान में आज सुबह उस समय आग लग गई जब उसकी पत्नी खाना बना रही थी। इस आग का कारण लीकेज सिलेंडर बताया जा रहा है, मगर इस आग को लेकर पुलिस और प्रशासन में किसी प्रकार की शिकायत नरेश रावत के द्वारा नहीं की गई है। आपको बता दें कि बयाना में लगातार अवैध रिफिलिंग का कारोबार फल फूल रहा है, जिसके चलते बड़े सिलेंडरों से छोटे सिलेंडरों में गैस डालने का कारोबार चल रहा है। गैस वितरण की जानकारी में होने के बाद भी
किसी प्रकार की कोई कार्रवाई इन अवैध रिफिलिंग के कारोबारियों पर नहीं होने से इस प्रकार के हदासे बयानों में होना आम बात हो गई है। राजस्थान सरकार ने पिछली अशोक गहलोत सरकार के समय शुरू की गई प्रति गैस सिलेंडर 25 रुपए की सब्सिडी को वापस ले लिया है, जिसके चलते प्रदेश के करीब 90 लाख घरेलू गैस उपभोक्ताओं के रसोई के बजट पर सीधा असर पड़ने वाला है। राजस्थान में एलपीजी गैस सिलेंडर आज से 25 रुपए महंगा हो गया है, यानी अब 395 रुपए के बजाय प्रति सिलेंडर 420 रुपए दाम चुकाने होंगे। दरअसल मौजूदा भाजपा सरकार ने पिछली अशोक गहलोत सरकार के समय शुरू की गई 25 रुपए प्रति गैस सिलेंडर की सब्सिडी को वापस ले लिया है। सोमवार को खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के प्रमुख सचिव डॉक्टर सुबोध अग्रवाल की ओर से सब्सिडी वापस लेने के आदेश जारी किए गए, जो मध्य रात्रि से लागू भी हो चुके हैं। राज्य में तकरीबन 90 लाख एलपीजी उपभोक्ता हैं। जून 2011 में जब पिछली अशोक गहलोत सरकार ने 25 रुपए की सब्सिडी दी थी, तब राज्य में करीब 64 लाख उपभोक्ता थे और सरकार पर सब्सिडी देने से सालाना 125 करोड़ रुपए का भार पड़ा था। अब सब्सिडी वापस लेने से भाजपा सरकार को 202 करोड़ रुपए की बचत होगी। एलपीजी सब्सिडी वापस लेने के राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ सियासत भी तेज हो गई है और कांग्रेस ने भाजपा को जमकर घेरा है। आरोप है कि केंद्र की भाजपा सरकार महंगाई से निजात दिलाने के बड़े बड़े दावे और वादे करती आई है, लेकिन प्रदेश में भाजपा की सरकार संवेदनहीन हो गई है। कांग्रेस पार्टी ने डीजल पर भी 54 पैसे सेस लगाए जाने का विरोध करते हुए कहा कि क्या ऐसे अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आने का वादा और जनादेश का अपमान। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि प्रदेश में भाजपा सरकार बिजनेस हाउस की तरफ पर चल रही है और राजशाही तरीके से फैसले हो रहे हैं, जिसके कारण जनता महंगाई की मार झेलने को मजबूर है। महंगाई से जूझ रहे प्रदेश की जनता को सरकार ने एक और झटका दिया है। प्रदेश के गैस उपभोक्ताओं को प्रति सिलेंडर 25 रुपए अतिरिक्त चुकाने होंगे। जी हाँ, प्रदेश सरकार ने गैस सिलेंडर पर दी जाने वाली सब्सिडी बंद कर दी है। सरकार के इस फैसले से प्रदेश के 95 लाख गैस उपभोक्ता प्रभावित होंगे। हालांकि खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री हेमंत सिंह भड़ाना की माने तो सब्सिडी हटाने से प्रदेश के आम उपभोक्ताओं पर कुछ खास असर नहीं होगा। पिछली गहलोत सरकार के कार्यकाल में साल 2011 में शुरू की गई घरेलू गैस सिलेंडर पर 25 रुपए की सब्सिडी अब नहीं मिलेगी। पंचायत राज चुनाव पूरे होते ही प्रदेश सरकार ने घरेलू सिलेंडर के जरिए उपभोक्ताओं को महंगाई की आग में जलाने का फरमान जारी कर दिया है। उपभोक्ताओं को इस फरमान के बाद हर सिलेंडर पर 25 रुपए ज्यादा देने होंगे, लेकिन इससे राजस्थान सरकार के कोष में सालाना 202 करोड़ रुपए बचेंगे। खैर, खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री हेमंत सिंह भड़ाना की माने तो सब्सिडी हटाने से आम जनता पर कोई भार नहीं पड़ेगा, क्योंकि आज भी आम गरीब आदमी गैस पर नहीं बल्कि चूल्हे पर खाना बनाता है और इसके लिए सरकार ने हर राशन कार्ड उपभोक्ता को मिलने वाले केरोसिन की मात्रा 3 लीटर से बढ़ाकर 4 लीटर कर दी है। सरकार का यह फरमान पंचायत राज चुनाव के पहले नहीं बल्कि उसके बाद आया, ताकि इसके परिणाम प्रभावित ना हो सके। हालांकि सरकार इसके पहले भी पेट्रोल और डीजल पर वेट की दरें बढ़ाकर महंगाई की भट्टी को और भड़का चुकी है और अब गैस सिलेंडरों पर लगने वाली सब्सिडी को हटाकर सरकार ने यह जता दिया है कि उसका ध्यान आम उपभोक्ताओं के घर के बजट पर नहीं बल्कि अपने राजकोष के घाटे को दूर करने पर है। वसुंधरा सरकार 25 फरवरी से शुरू होने वाले विधानसभा बजट सत्र की तैयारी में जुट गई है। इस बजट में आम आदमी की जरूरतों और हर क्षेत्र की समस्याओं के समाधान को ध्यान में रखकर तैयार किया जाएगा, जिसके लिए वसुंधरा सरकार का हर मंत्री अपने प्रभार वाले जिलों में बैठक लेकर उसका फीडबैक वसुंधरा राजे को सौंपेंगे। प्रदेश सरकार का बजट न केवल लोक लुभावना हो बल्कि उसमें प्रदेश के हर वर्ग की जरूरतों का समावेश हो, इसका ध्यान रखा जा रहा है। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने यह जिम्मेदारी अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों को दी है और वो बुधवार को अपने प्रभार वाले जिलों में बैठकें कर इसे अंजाम देंगे। बैठक में क्षेत्र के प्रतिनिधि, विभाग के अधिकारी और प्रमुख संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। प्रभारी मंत्री इनसे क्षेत्र की आवश्यकता को ध्यान में रखकर बजट के लिए सुझाव लेंगे और इसी के आधार पर मुख्यमंत्री को 12 फरवरी को रिपोर्ट सौंपेंगे। सीएम राजे 12 और 14 फरवरी को सीएमओ में संभागवार बैठक कर इन मंत्रियों से रिपोर्ट लेंगे और इसी के आधार पर प्रस्ताव बजट का प्रारूप तैयार किया जाएगा। बहरहाल प्रदेश में आम आवाम को इस बजट से काफी उम्मीदें हैं और जनता की इन उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए वसुंधरा सरकार ये कवायद कर रही है। अब समय ही बताएगा कि वसुंधरा सरकार उनकी उम्मीदों पर कितनी खरी उतर पाती है। राज्य की जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की मंत्री किरण माहेश्वरी आज अपनी एक दिवसीय यात्रा पर
भरतपुर पहुंची, जहां कलेक्ट्रेट सभागार में उन्होंने आज जलदाय विभाग के संभाग स्तरीय बैठक को संबोधित किया। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जो योजनाएं चल रही हैं उनका काम पूरा किया जाए और ठेकेदारों को भी चेतावनी दी कि अगर वो समय पर काम पूरा नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। राज्य की पीएचईडी मंत्री किरण माहेश्वरी आज अपनी एक दिवसीय यात्रा पर भरतपुर पहुंची, जहां सर्किट हाउस में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। बाद में सर्किट हाउस में ही उन्होंने जलदाय विभाग के अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों से जिले की व संभाग की पेयजल व्यवस्था पर गहनता से विचार विमर्श किया। बाद में मीडिया से बात करते हुए मंत्री माहेश्वरी ने कहा कि दिल्ली में आपकी सरकार बनने से बीजेपी को कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू दिल्ली की हार से कहीं भी कम नहीं होगा। आपको मिल रही बड़ी जीत से मायूस मन से मंत्री ने कहा कि पब्लिक कब किस करवट बैठ जाए उसका पता नहीं चलता है, लेकिन आप सिर्फ हल्ला मचाने वाली पार्टी है और सरकार चलाने में बड़ा फर्क होता है। उन्होंने कहा कि आगामी 6 माह में ही लोगों को पता लग जाएगा कि आपने क्या किया है। आपकी जबरदस्त सफलता पर अन्य राज्यों की राजनीति पर क्या फर्क पड़ेगा, उस पर मंत्री का कहना था कि सिर्फ दिल्ली में ही आपका हल्ला है, अन्य राज्यों में इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाद में जलदाय विभाग की मंत्री ने जिला कलेक्ट्रेट के सभागार में संभाग स्तरीय जलदाय विभाग के अधिकारियों की बैठक ली और अधिकारियों को निर्देश दिए कि पेयजल की जो योजनाएं चल रही हैं उनका काम जल्दी पूरा कराया जाए। देश की राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी द्वारा बीजेपी को करारी शिकस्त देने के सवाल पर जलदाय विभाग की मंत्री ने कहा कि इस जीत से मोदी का जादू खत्म नहीं होगा और आपकी जो जीत हुई है उसका अन्य राज्यों में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। पंचायत के बाद जिला प्रमुख का चुनाव हो, जिला प्रमुख तय हो चुका है। कांग्रेस का जिला प्रमुख बनने के बाद से भाजपा का घमासान खत्म नहीं हुआ है। भाजपा में अभी भी घमासान जोरों पर चल रहा है। प्रत्याशी द्वारा आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लगातार जारी है। अलवर जिले में जिला प्रमुख चुनाव में हुई क्रॉस वोटिंग से भारतीय जनता पार्टी में मचा भूचाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। जिला प्रमुख प्रत्याशी के परिजनों ने क्रॉस वोटिंग लिए मंत्री हेम सिंह बड़ाना और बैरोड से विधायक जसवंत यादव को जिम्मेदार ठहराया है। मंत्री हेम सिंह बड़ाना को आज दिन का सांप तक करार दिया है। परिजनों ने दोनों नेताओं को पार्टी से तुरंत निष्कासित करने की मांग की है। परिजनों ने आरोप लगाया कि भाजपा पर गुरु चेले की जोड़ी भारी पड़ी है। अलवर जिले में इन दिनों भाजपा के अंतरिम मतभेद चलते राजनीति कार्रवाई हुई है। क्रॉस वोटिंग से अलवर सहित जयपुर तक भूचाल आया हुआ है। पार्टी नेता कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं, लेकिन पार्टी वास्तव में क्रॉस वोटिंग के लिए दोषी विधायकों और मंत्री के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही है। इस पर संदेह दिखाई दे रहा है, क्योंकि दोनों बड़े नेता यादव समाज और गुजर समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। पूर्व बहुमत में आने के बाद भी भाजपा अपना जिला प्रमुख नहीं बना पाई, इसको लेकर के पूरी तरह से घमासान चोरों पर है, जिसमें मंत्री और विधायकों पर पूरी तरह से आरोप लग रहे हैं। प्रत्याशी द्वारा और उसके परिवार द्वारा लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं। छात्र नेता नरेश कुशवाहा की हत्या की साजिश रचने के आरोप में धौलपुर जेल में बंद शहर विधायक बनवारी लाल कुशवाहा को आज फिर से एडीजे कोर्ट में पेश किया गया। छात्र नेता नरेश कुशवाहा की हत्या की साजिश रचने के आरोप में धौलपुर जेल में बंद धौलपुर विधायक बनवारी लाल कुशवाहा को आज फिर एडीजे कोर्ट में पेश किया गया। एडीजे कोर्ट में अभियोजन पक्ष की तरफ से साक्ष्य के लिए 2 दिन की तारीख 9 व 10 फरवरी लगाई थी, लेकिन आज भी अभियोजन पक्ष की ओर से कोर्ट में कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया, जिसके चलते न्यायालय ने अभियोजन पक्ष की ओर से साक्ष्य के लिए आगामी तारीख पेशी 3 दिन 9, 10 और 11 मार्च निहित की गई है। बहरहाल अभियोजन पक्ष की तरफ से लगातार 2 दिन में साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए जाने पर विधायक को न्यायालय ने न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है, तो वहीं न्यायालय ने साक्ष्य के लिए आगामी 9, 10, 11 मार्च तारीख निहित की गई है। राजधानी जयपुर में विदेशी छात्रा के साथ दुष्कर्म मामले का पुलिस ने खुलासा करते हुए 7 लोगों को हिरासत में लिया है, तो वहीं एक आरोपी को चिन्हित कर लिया है। वहीं पुलिस ने एक बाइक बरामद किए है, तो वहीं आरोपी अजीत सिंह अभी पुलिस की पकड़ से बाहर है। 8 फरवरी को टूरिस्ट वीजा पर घूमने आई जापानी छात्रा की मुलाकात अजीत सिंह से जलमहल के पास हुई, जहां उसने विदेशी छात्रा को बाइक पर अपने साथ घुमाने की बात कही। यही नहीं, आरोपी ने पहले विदेशी छात्रा को बाइक पर बैठाकर अपने परिचित के घर ले जाकर चाय नाश्ता कराकर विश्वास में लिया, ताकि युवती को आसानी से वह रात होने तक घुमाता रहे और युवती को भनक भी ना लगे। आखिर दुष्कर्म का आरोपी अपने प्लान में कामयाब रहा। आरोपी गलता तीर्थ से विदेशी यात्रा को फिर से अपने चाचा के लड़के के घर लेकर गया, ताकि विदेशी छात्रा को उस पर किसी भी तरह का शक ना हो।
दोनों ने साथ खाना खाया। फिर जैसे ही विदेशी छात्रा ने होटल जाने की बात कही तो आरोपी अजीत सिंह ने उसे छोड़ने के बहाने दूदू इलाके में ले गया, जहां सुनसान इलाके में ले जाकर शारीरिक संबंध बनाने का प्रस्ताव रखा। युवती ने जब मना किया तो आरोपी ने उसके साथ मारपीट की। युवती घबरा गई और आरोपी अपने मंसूबों में कामयाब रहा। यही नहीं, इस पूरी योजना में उसके कई और भी साथी हो सकते हैं, जिनसे पुलिस पूछताछ कर रही है। आखिर इस पूरे मामले को लेकर पुलिस अधिकारियों का कहना है कि युवती को पहले आरोपी ने विश्वास में लिया और उसके बाद अपने परिचितों के यहाँ ले जाकर उसे चाय, नाश्ता और खाना खिलाया। वहीं कहा जा सकता है कि अभी आरोपी अजीत सिंह पुलिस की पकड़ से बाहर है, जिसे तलाश करने के लिए कई राज्यों से भी मदद ली जा रही है। तो वहीं 12 टीमें गठित की हैं आरोपी को पकड़ने के लिए। श्री गंगानगर के गांव साधुवाली में एक 7 साल की मासूम बच्ची दुष्कर्म का शिकार हो गई। दुष्कर्म का शिकार इस बच्ची को श्री गंगानगर के जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इस घटना को अंजाम भी पड़ोस में ही रहने वाले एक नाबालिग किशोर ने दिया। परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर महिला थाना पुलिस ने आरोपी किशोर को निगरानी में ले लिया है। यह घटना 8 फरवरी की है। मामले के मुताबिक गाँव साधुवाली की एक 7 साल की बच्ची अपने घर के बाहर खेल रही थी, तभी पड़ोस में रहने वाला एक किशोर उसे बहला फुसला कर अपने साथ ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना की जानकारी बच्ची के परिजनों को लगी तो वे उसे जिला अस्पताल ले गए। परिजनों की शिकायत के आधार पर महिला थाना पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। इसके साथ ही पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी किशोर को अपनी निगरानी में ले लिया है। सलमान खान के भाग्य का फैसला 25 फरवरी को होगा। सलमान के खिलाफ आर्म्स एक्ट के मामले में जोधपुर का CJM डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फैसला सुनाएगा। सलमान खान के खिलाफ जोधपुर में एक और मामले में फैसले की तारीख तय हो गई है। हिरण शिकार से जुड़ा यह मामला आर्म्स एक्ट का है। दरअसल वर्ष 1998 में जब सलमान व अन्य फिल्मी कलाकारों के विरुद्ध हिरण शिकार का मामला उजागर हुआ था, तब यह मामला भी दर्ज किया गया था। पुलिस ने सलमान की राइफल जब्त की थी तो पता लगा था कि उसके लाइसेंस की अवधि बीत चुकी थी और उसका नवीनीकरण नहीं कराया गया था। अब इस मामले की सुनवाई पूरी हो गई है और 25 फरवरी को फैसला सुनाया जाएगा। सलमान के लिए यह मामला बहुत महत्वपूर्ण है। इससे पहले 2 मामलों में सलमान को सजा हो चुकी है, इसलिए अगर इस मामले में भी अगर सलमान को सजा होती है और सजा 3 साल से ज्यादा होती है तो उन्हें जुडिशियल कस्टडी के तहत जेल भेज दिया जाएगा और फिर हायर कोर्ट से उनको जमानत लेनी होगी। झलावाड़ शहर से सटे हुए खंडिया तालाब में एक माँ ने अपनी 2 मासूम बेटियों के साथ छलांग लगा दी, लेकिन तालाब के चौकीदारों ने तत्काल पहुंचकर उनको बचा लिया गया। अब फिलहाल इस माँ ने छलांग क्यों लगाई यह भी एक रहस्य बना हुआ है, लेकिन फिलहाल पुलिस मान रही है कि पारिवारिक कलेश की वजह से ही इसने छलांग लगाई है। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है। मिली जानकारी के अनुसार शहर के मंगलपुरा निवासी भरत अग्रवाल की पत्नी रीना अग्रवाल अपने 5 और 2 वर्षीय बेटियों के साथ ऑटो से खंडिया तालाब पर पहुंची और ऑटो से उतरकर सीधे खंडिया तालाब की पाल पर जाकर बेटियों सहित तालाब में छलांग लगा दी। इसी दौरान खंडिया पार्क में मौजूद चौकीदार तंवर सिंह व शैतान सिंह ने देखा कि महिला तालाब में डूब रही है। इस पर दोनों चौकीदार तुरंत तालाब में कूदे और बारी बारी से तीनों को तालाब से निकालकर समीप के निजी चिकित्सालय में उपचार के लिए भर्ती कराया गया, जहां तीनों का उपचार चल रहा है। फिलहाल डॉक्टरों ने तीनों को खतरे से बाहर बताया है और शाम तक इनकी छुट्टी कर दी गई। वही घटना की सूचना मिलने पर झलावाड़ थाना अधिकारी और पुलिस उप अधीक्षक ने मौके पर पहुंचकर पूरी स्थिति का जायजा लिया। फिलहाल ये महिला बयान देने की स्थिति में नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि पारिवारिक कलेश की वजह से इसने खंडिया तालाब में अपनी बेटियों के साथ छलांग लगाई है। वही ये भी बताया जा रहा है कि इस महिला ने अपनी बड़ी बेटी 5 साल की जो चंचल है उसको निजी स्कूल से लेकर सीधे खंडिया तालाब में गई और छलांग लगा दी। फिलहाल पुलिस सारे मामले की तफ्तीश में जुट गई है। लोहर में स्वर्ण कार के साथ हुई लूटपाट और फायरिंग के मामले में 15 दिन बीत जाने के बाद भी यहां की पुलिस के हाथ खाली है, जिसके चलते व्यापारियों में आक्रोश है और इसी आक्रोश के चलते व्यापारियों ने अब लोहर को अनिश्चितकालीन बंद करने की चेतावनी दी है। लोहर में व्यापारी के साथ हुई लूटपाट प्रकरण को लेकर लोहर बंद के दौरान पुलिस की ओर से SDM द्वारा मांगी गई 1 सप्ताह की मोहलत अब समाप्त हो गई। इसको लेकर स्वर्णकारों और व्यापारियों का एक प्रतिनिधिमंडल SDM प्रबोधन चारण से मिलने पहुंचा, लेकिन प्रतिनिधिमंडल के समक्ष SDM द्वारा पुलिस के विरुद्ध किसी भी कार्रवाई को लेकर अपनी लाचारी जाहिर करने से नाखुश व्यापारियों ने अनिश्चितकालीन के लिए नोहर बंद की चेतावनी दे डाली है। 27 जनवरी की रात हुई इस वारदात के बाद पुलिस कार्यशैली को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं।
वारदात के बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार मोहलत मांगती आ रही है। सोमवार को तीसरी बार मोहलत समाप्त हो गई, लेकिन बिना किसी नतीजे के इससे व्यापारी और पुलिस और प्रशासन के विरुद्ध आक्रोश और गुस्सा बढ़ता जा रहा है। तीसरी दफा एक सप्ताह की मोहलत बेनतीजा समाप्त हो जाने के कारण व्यापारी और स्वर्णकार एसडीएम प्रभुदान चारण से मिलकर उन्हें ज्ञापन देने पहुंचे। इस पर एसडीएम ने सीआई भवरलाल से इस संबंध में मोबाइल पर बात की। वहां से जवाब मिला कि इस प्रकरण को लेकर पुलिस गंभीर है और अपराधियों की धरपकड़ के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इस पर व्यापारियों ने सीआई को मौके पर बुलाकर बातचीत की मांग की, लेकिन उनके बाहर होने की बात कही गई। इस पर एसडीएम ने डीएसपी को फोन कर व्यापारियों से मिलने का आग्रह किया, लेकिन डीएसपी ने भी वही रटा रटाया जवाब देकर आने से मना कर दिया। इसके बाद व्यापारियों में और आक्रोश बढ़ गया। लगातार पुलिस की ढिलाई के चलते ही व्यापारियों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है और इसी आक्रोश का नतीजा है कि व्यापारियों ने आर पार की लड़ाई लड़ने का मन बना लिया है। व्यापारियों ने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही आरोपी गिरफ्तारी नहीं होती है तो वे अब नोहर को अनिश्चितकालीन बंद कर देंगे। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष एम शिवान ने कहा कि आज भी गांव में सर पे मेला ढोने की प्रथा है, जो न सिर्फ कानूनन जुर्म है बल्कि समाज के नाम पर कलंक भी है। अपनी एक दिवसीय यात्रा पर अजमेर आए राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष एम शिवाना ने जिला कलेक्ट्रेट सभागार में एक बैठक बुलाई, जिसमें जिला कलेक्टर आरओसी मलिक सहित नगर निगम, जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी मौजूद थे। इससे पहले सर्किट हाउस में मीडिया से बात करते हुए एम शिवाना ने कहा कि स्वच्छ भारत के निर्माण को पूरा करने के लिए हमारा आयोग प्रयासरत है। इसके तहत 10,000 से अधिक आबादी वाले गाँव भी शामिल है। उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्य की बात है कि कड़े कानून के बावजूद आज भी देश के कई हिस्सों में सर पे मेला ढोने की प्रथा है। इसके लिए आम जन को जागरूक करने की आवश्यकता है। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि यदि उन्हें इस तरह की कोई शिकायत मिली तो वो तुरंत कठोर कार्रवाई करेंगे। नगर निकाय में सफाई कर्मचारियों को सर पे टोपी और हाथों में ग्लव्स नहीं दिए जाने पर उन्होंने नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि सफाई कर्मचारियों को तुरंत उपलब्ध कराए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि सफाई कर्मचारियों को मूलभूत सुविधा भी मिले और समय पर चिकित्सा भी। अब देखना होगा कि नगर निगम के अधिकारियों पर राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष के निर्देशों का कितना असर पड़ता है। स्वाइन फ्लू अब एक महामारी का रूप लेता जा रहा है। कोटा में भी स्वाइन फ्लू के मरीजों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है, जिसके चलते अब लोग स्वाइन फ्लू से बचने के लिए अलग अलग जतन कर रहे हैं। वहीं लोगों ने स्कूलों में भी छुट्टी की मांग की है। स्वाइन फ्लू के बढ़ते प्रकोप ने अब लोगों के मन में डर के रूप में घर कर लिया है। कोटा में अब तक 139 मरीज स्वाइन फ्लू पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। ऐसे में लोग अब आयुर्वेदिक काढ़े पर निर्भर हो रहे हैं। मंगलवार को शहर के आयुर्वेदिक अस्पतालों में काढ़ा पिलाया गया, जहां काढ़े पीने के लिए लोगों की लंबी लाइनें लगी रही। वहीं स्वाइन फ्लू के प्रकोप को देखते हुए सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर को ज्ञापन देकर स्कूलों में छुट्टी की मांग की है। स्वाइन फ्लू का असर अब टूरिज्म पर भी पड़ने लगा है। कोटा में स्वाइन फ्लू पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ती देख पर्यटक कोटा आने से डर रहे हैं। कोटा संभाग में सबसे ज्यादा पर्यटक बूंदी और कोटा में आते हैं, लेकिन स्वाइन फ्लू का प्रकोप बढ़ने के बाद विदेशी और देशी पर्यटकों की संख्या में कमी आ रही है। शहर के कई होटल में देशी और विदेशी सैलानियों की जो बुकिंग हुई थी वह भी कैंसिल करवा दी गई है। हालांकि चिकित्सा विभाग अब भी यही दावा कर रहा है कि जो भी स्वाइन फ्लू के मरीज सामने आ रहे हैं उनको उचित इलाज करवाया जा रहा है और इसके लिए बचाव के लिए पूरे इंतजाम किए गए हैं। वहीं यह आश्वासन भी अब चिकित्सा विभाग की ओर से दिया जा रहा है कि तापमान बढ़ने के साथ साथ स्वाइन फ्लू वायरस जो है उसकी सक्रियता भी कम होगी। बीकानेर में जहरीली सब्जियों के खिलाफ आज से नगर निगम ने अभियान छेड़ दिया। वल्लभ गार्डन क्षेत्र में जेसीबी से ये सब्जियां उखाड़ दी गई। पहले दिन लगभग 25 बीघा क्षेत्र में सब्जियां नष्ट की गई। बीकानेर के सुदर्शना नगर से आगे और वल्लभ गार्डन क्षेत्र में किसान बरसों से सब्जियां उगा रहे हैं। ये सब्जियां अवैध रूप से उगाई जा रही है। सिंचाई के लिए सीवर का गंदा पानी इस्तेमाल किया जा रहा है। इसकी लंबे समय से शिकायत की गई थी। पिछले जून में नगर निगम प्रशासन ने गंदे पानी से सब्जियां उगाने वालों को नोटिस भी जारी किए थे। इसमें किसानों से खुद ही सब्जियां उखाड़ने को कहा गया, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। किसानों ने ये जहरीली खेती जारी रखी। उधर नगर निगम प्रशासन ने आज कार्रवाई कर डाली। लगभग 300 बीघा क्षेत्र में किसानों ने सब्जियां उगा रखी है, लेकिन आज लगभग 25 बीघा क्षेत्र में ही सब्जियां नष्ट की गई। 3 जेसीबी मशीनों, प्रशासन और पुलिस जाब्ते के सहयोग से लगभग 7-8 घंटे तक कार्रवाई चली। पूरे 300 बीघा क्षेत्र को साफ करने में 3 से 4 दिन लग सकते हैं। जहरीली सब्जियां उगाने का सिलसिला बीकानेर में बरसों से चल रहा है। कभी कभार प्रशासनिक कार्रवाई होती है, वो भी दिखावे के लिए। नगर वासियों की सेहत के साथ कोई खिलवाड़ नहीं हो, इसके लिए नगर निगम प्रशासन को स्थायी कदम उठाने चाहिए। दौसा में आज बच्चों को पेट के कीड़े मारने की दवा पिलाई गई। राष्ट्रीय कृमि नियंत्रण कार्यक्रम के तहत आज सभी सरकारी विद्यालयों एवं आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों को
पेट के कीड़े मारने की कृमि की दवा पिलाई गई। बच्चों के पेट में होने वाले कीड़ों को मारने के लिए आज से देश भर में इस कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। 10 फरवरी से 13 फरवरी तक देश के सभी सरकारी विद्यालयों एवं आंगनबाड़ी केंद्रों पर 0 से 12 वर्ष तक के बच्चों को यह दवा खिलाई जाएगी। एबेंडाजोल 400 mg की यह गोली बच्चों को विद्यालयों में खिलाई जा रही है। इसके चलते बच्चों के पेट में होने वाले कृमि या फिर कीड़े मर जाएंगे और बच्चे कई तरह की बीमारियों से सुरक्षित रहेंगे। राजस्थान पुलिस में लंबे समय से चली आ रही कांस्टेबल्स की कमी को जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। जी हां, राजस्थान के कई थानों में कांस्टेबल्स की कमी चल रही है, जिसके तहत आज वैशाली नगर के चित्रकूट स्टेडियम के अंदर कांस्टेबल भर्ती का आयोजन किया गया, जिसमें दूर दराज के गांव से आए कई युवाओं ने भाग लिया। इन भाग लेने वाले प्रतिभागियों में से 1000 कांस्टेबल्स की छटनी की जाएगी, जिन्हें राजस्थान पुलिस में लगाया जाएगा। वहीं देखा गया है कि जयपुर के भी थानों के अंदर कांस्टेबल्स की कमी है, जिसके चलते जाप्ता कम है और अपराधियों के हौसले बुलंद है और राजधानी में क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है। राजस्थान सरकार को इस समस्या से कई बार अवगत कराया जा चुका है। इसके बाद गृह मंत्रालय ने ये आदेश पारित किए थे कि राजस्थान पुलिस के अंदर चल रही कांस्टेबल्स की कमी को जल्द पूरा किया जाए और कांस्टेबल भर्ती आयोजन की जाए, जिसके बाद आज जो है चित्रकूट स्टेडियम में कांस्टेबल भर्ती आयोजित की गई और अब ये कहा जा सकता है कि जल्द ही राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल्स की खल रही कमी को पूरा किया जा सकेगा। प्रदेश में लगातार तंबाकू के सेवन से लोगों की मौत हो रही है और ये आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। तंबाकू जनित बीमारियां लगातार लोगों की जिंदगी लील रही है। समाज को तंबाकू मुक्त बनाने को लेकर आज जयपुर स्थित स्वास्थ्य निदेशालय में तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में कोटपा एक्ट के प्रभारी और तंबाकू कार्यक्रम से जुड़े एनजीओ ने भाग लिया। नेशनल हेल्थ मिशन के अतिरिक्त मिशन निदेशक नीरज के पवन के अनुसार प्रदेश में रोजाना 350 से भी अधिक युवा तंबाकू के सेवन से जुड़ रहे हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि कोटपा एक्ट के तहत विभाग लगातार चालान करने की कार्रवाई को अंजाम दे रहा है, साथ ही खुली सिगरेट बेचने वालों पर भी लगातार कार्रवाई हो रही है। राजस्थान में जल्द ही जर्दा और खैनी पर प्रतिबंध लग सकता है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के पास फाइल भेज दी है।